दोस्तों आज की कहानी है सासू माँ रोटी बनानी तो मुझे भी आती है। चलो दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। पति के जाने के बाद तीन बहुओं की सास सविता जी ने अनुभव किया कि मंझली बहू लता बिना ऐतराज पैसे देती हैं। बाकी दोनों से काम भी ज्यादा करती हैं, पर क्या करें? पहले समझ नहीं पाई उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। नाराज कर लो या मजबूरी उसकी नौकरी मेट्रो सिटी में है तो उसे वहीं रहना पड़ता है, पर मंजिला है जो कोई त्वार सुटे वो सबसे पहले सबके लिए उपहार लेकर हाजिर हो जाता है। सविता जी तो बाकी बहुओं से उसकी मिसाल देती कि तुम लोग भी दिल बड़ा रखो, परिवार बड़ा है, सब हाथों हाथ खर्च नहीं उठाएंगे तो मेरे पेंशन से ही कैसे गुजारा होगा। छोटे देवर ननंद की पढ़ाई और शादी ब्याह भी निपटाना है। दोनों बहुए सुप साप प्रवसन सुनते हुए रसोई में लग गई। छोटी का मन होता कह दे लता दीदी की मोटी कमाई है तो ज्यादा देने का, तब भी उन्हीं का है, हम तो अपना परिवार ही मुश्किल से संभाल रहे हैं, पर माँ जी से बहस कौन करे। जल्दी ही लता का कार्यालय से कार्य से जब घर आना हुआ तो बहनों जैसी देवरानी जेठानी से मिल बहुत खुश थी। शाम को तीनों मिलकर खाना बनाने चली गई। हमेशा की तरह बड़ी ने कहा सब्जी मैं बनाऊंगी, छोटी बोली मैं पुलाव बनाऊंगी। दोनों को अपनी अपनी तैयारी करते देख लता ने सुप साप आटा गूंध कर रोटियां सेकने लगी। शुरू ही की थी कि सास ने देखा और मक्खन लगाते हुए बोली लता बेटा मुझे बड़ी बहू के हाथ की रोटी ही भाती है तो तुम जाओ आराम करो, रोटियां बड़ी बहू को बनाने दो। लता को बहुत अटपटा लगा। आँच कम कर बोली माँ जी पहले ही बहुत कड़वाट आपने मेरे जीवन में गोल रखी है जो मैं भूलने की कोशिश कर रही हूँ। अब कृपया हम देवरानी जेठानियों के बीच में कड़वाट मत बनाइए। दो दिन के लिए आई हूँ, कृपया एहसान कर सब सामान्य ही सलने दीजिए। सविता जी हैरान होती देखती रह गई कि सालों पहले तंज कसा था वो भी तब जब बड़ी बहू किशन में घुसी थी और ये महारानी जी नौकरी के फार्म भरने में समय बर्बाद करती रहती थी कि जरा तुम भी कुछ काम करो तभी खाने का हक रखो। सालों पहले की वही बात गांठ बांध कर बैठ गई है अब इसकी और घरेलू बहुओं की क्या बराबरी। सविता जी के इशारे पर बड़ी बहू आकर लता से बेलन लेने लगती है तो लता कहती है कि दीदी आप तो जानती हैं आटा गूंद कर तो मुझे रोटी बनाना शुरू से ही अच्छा लगता है, आप और छोटी खाना निकालिए, सबके लिए मैं गर्मा गर्म फूल के सेकती हूँ। सविता जी फिर बड़ी बहू को घूरते हुए निकल गई। अक्सर जिन घरों में एक या दो बहुएं होती हैं, दोनों की तुलना कर या दोनों में फूट डालने का काम ये गलती सभी सास करती हैं। सबकी अपनी अलग खूबी होती है, किसी को कम या किसी को ज्यादा आंकना कहाँ की अकलमंदी है। दोस्तों ऐसा हमारे कई घरों में होता है जो सास अपनी बहुओं में तुलना करती है, ऐसे में वो अपना ही जीवन खराब करती है। एक को बढ़ावा देती है तो दूसरी को निशा दिखाती है। हम जिसे निशा दिखाते हैं आखिरकार हमारे बुढ़ापे में वही काम आती है। इसलिए दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपनी घर की बहुओं को एक समान रखना सही, मान दे सम्मान दे पर सबको एक समान एक कर बराबर सबको मान देना सही। दोस्तों कैसी लगी कहानी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं।